अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहज़ाद, कैसे हैं आप? आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम बनाएंगे सज्जी। सज्जी की जो रेसिपी जो होती हैं, हर शहर की, हर सिटी की जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लाहौर की, पेशावर की जो हैं, लेकिन हम इसको सज्जी को अपने स्टाइल से बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम इन्ग्रीडियंट जो हैं वो हम आपको बताएँ, ताकि बहुत अच्छी सी जो रेसिपी है वो आप तक पहुँचे और आप इसको जब बनाएँ तो बहुत ही मज़े की जो है ये सब्जी तैयार होगी। तो चले बहुत कम मसालों के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अदद चिकन था, जिसको हमने ये देखें अच्छे तरीके से धो लिया था, लेकिन इसको धोने का भी तरीका हम आपको बताए देते हैं कि आपने इसको ये देखें ऊपर की जो स्किन है आपने ये बिल्कुल आपने इसकी उतारनी नहीं है। ये देखें अंदर से हमने इसकी फुल सफाई कर दी थी। इसके बाद हमने आधे कप पानी में डालकर इसको हमने रख दिया था तकरीबन 15 मिनट तक के लिए, सिरका डाल के और थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया था। उसके बाद ये देखें 15 मिनट के बाद इसको जो निकाल लिया था, छन्नी में रख दिया था, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। अब हमने ये देखें इसकी इसको धो लिया, सफाई कर ली, और ये देखें अंदर हम आपको बताएंगे कि ये हमने 3 कट्स जो है ये हमने लगाए हैं बहुत डीपली, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए, ताकि जब हम इसको तैयार करें तो ये बहुत ही अच्छी जो रेसिपी है ये हमें मिले और हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो, ताकि मसाला अंदर तक जो है वो जाए। तो चलें तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिरका है, जिसके साथ हम तमाम मसाले को मिक्स करेंगे। साथ ही हमारे पास जो है ज़ीरा है साबुत वाला, इसको हमने जो चॉप करना है मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा सा मोटा हो। साथ ही नमक हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून, जो ज़ीरा है ये हम 1.5 टेबल स्पून लेंगे। नमक हम इसमें 2 टीस्पून जो है हम डालेंगे, या 2 टेस्ट जो है आप डालिएगा इसमें। साथ ही हम इसमें अजवाइन लेंगे, अजवाइन के हम तकरीबन 3 चम्मच भर के लेंगे, और ये जो अजवाइन है ये पिसी हुई है। और साथ ही यहाँ पर 3 हरी मिर्चें जो थी वो हमने ली थी, और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून के बराबर जो थे वो हमने गार्लिक लिया था। ये देखें इसको भी हम जो है बहुत ज़्यादा हमने इसकी पेस्ट नहीं करनी, थोड़ा मोटा मोटा ही रख के हमें इसको ग्राइंड करना है। साथ ही हमारे पास साबुत धनिया है, इसको भी हमने ये देखें मोटा मोटा सा हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर हमें नहीं चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है, इसकी हमने 2 टेबलस्पून भर के लेने हैं। अगर आप जो है मिर्च कम खाती हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एक चिकन के लिए रेसिपी जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही आप तैयार करेंगी तो बहुत अच्छी सब्जी जो है ये हमारी तैयार होगी। और सबसे आखिर में चाट मसाला है, जो कि हम इसमें डालते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो चलें सबसे पहले जो काम हमने करना है वो हमने मसालों को मिक्स करना है, और मिक्स हमने जो है विनेगर में करना है, यानी कि वाइट वाला जो सिरका है ये हम लेंगे और इसके अंदर जो है हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इस पे चिकन पे अच्छे तरीके से जो है हम इसको रब करेंगे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसमें चला जाए। तो यहाँ पर हम जो है धनिए को हम मोटा मोटा सा कूट लेते हैं। अब यहाँ पर हरी मिर्चों को, और साथ ही हमने जो गार्लिक था वो हमने लिया था, इसको हम ग्राइंड करेंगे, और साथ ही हमने ये जो धनिया आपको बताया था ये भी हम जो है ग्राइंड कर लेते हैं। ये रेसिपी जो है ये जो है 2 स्टेप में तैयार होगी। पहले हम इसको अच्छे तरीके से मसाला लगाते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको जो है कोयले पे हम इसको पकाएंगे, या अगर आपके पास ओवन है तो हम इसको ओवन में जो है पकाएंगे। सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों को हमने मोटा सा कूट लिया। ये देखें 2 चम्मच जो हमने धनिए के लिए थे ये भी हमने जो थे इसको हमने कूट लिया था, और साथ ही ये देखें अगर ये देखें मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया था। अब इन तमाम मसालों को जो हमने क्वांटिटी बताई, इन तमाम मसालों को हमने विनेगर की मदद से हमने इनको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें तमाम मसाले लेकर विनेगर जो था ये हम इसमें डाल देंगे, और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। तमाम मसाले जो हमने आपको बताए थे देखें इस तरह करके इसकी बहुत ही अच्छे से हमने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छे तरीके से मिल जाए। इसके बाद जो है अब हमें चिकन पर इसकी रबिंग करनी है अच्छे तरीके के साथ।
अब यहाँ पर हमने मसाला लगा के अच्छे तरीके से रख दिया। ये देखें अंदर तक हमने मसाला जो था बहुत अच्छे तरीके से हमने लगा दिया। अब हम इसको 15 मिनट से तक रख देंगे, अगर आपके पास बहुत जल्दी अगर आपने इसको तैयार करनी है, और वरना आप इसको एक रात के लिए रख सकते हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इस पर लग जाए। अब हमें ओवन में जो है 1 घंटे के लिए हम पकाएंगे इसको 180 पे रख के, क्योंकि बहुत स्लो जो है आँच पर इसको तैयार किया जाता है। आप अगर कोयलों में बनाना चाहते हैं तो आप इसको उसमें भी तैयार कर सकते हैं, बारबेक्यू जिस तरह होता है उस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ओवन में बनाएंगे। अभी हम इसको रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चिकन को निकाल लिया, अब इसको तैयार करते हैं। ट्रे लेनी है हमने, और साथ ही हमें 1 अदद स्टील का गिलास चाहिए जिसके ऊपर हमने चिकन को खड़ा करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गिलास रखा और इसके ऊपर हमने चिकन को ये देखें लगा दिया। अब हम इसको ओवन में रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी तैयार है। 1 घंटा हमें लगा इसको पकाने में। ओवन से अब हम इसको निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद। आज की रेसिपी जो थी सब्जी की थी। सब्जी तो बहुत सी खाई होंगी आपने, लेकिन इसको हमने घर में ओवन में बनाया। थोड़ा सा टाइम इस पर थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको हम स्टेप जो है इसके थोड़े ज़्यादा हैं कि हमने इसको किस तरह मैरिनेट करना है और किस तरह हमने इसको ओवन तक लेके जाना है। तो चले आपके साथ हम भी तैयार करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी सब्जी। सब्जी बनाई हमने बहुत ही मज़े की, तो चलें आप भी हमारे साथ इसकी तैयारी करें। और आज जो है आप अपने मेन्यू में सब्जी को बनाएंगे, लेकिन हमारे स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद, कैसे हैं आप। आज की हमारी रेसिपी जो थी वो चिकन सब्जी की थी। सब्जी तो आपने बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन इसको घर में तैयार करना बहुत ही आसान है। बाज़ार से तो हम जाकर इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन इसको घर में बनाना आप यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसान रेसिपी जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम वही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आप बाज़ार में जाकर उनको एंजॉय करते हैं। इस पूरी रेसिपी को देखने के लिए आपको हमारे चैनल देसी होम कुकिंग को सब्सक्राइब करना होगा, बेल के बटन को हिट करना होगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपलोड जो है अपनी वीडियोस करते रहते हैं, और साथ में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे YouTube चैनल को भी पसंद करते हैं और साथ ही हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करते हैं। तो आपने आज जो है आपने यही रेसिपी को ट्राई करना है, चिकन सब्जी को, और बिल्कुल हमारे स्टाइल में। इसको हमने किस तरह तैयार किया, बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इसकी तैयारी की, और इसका टेस्ट जो है ये बहुत ही मज़े का है। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप खाली भी खा सकते हैं, किसी भी केचप के साथ बहुत मज़े की है। घर में तैयार कीजिए हमारे स्टाइल में। अब यहाँ पर सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हमने बहुत कम मसालों के साथ इसकी तैयारी की, और ये देखिए हमने आपको यूनिक तरीका बताया कि किस तरह आप इसको ट्रे में खड़ा कर सकते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी जो है तैयार हो जाती है। आप इसको किसी भी केचप के साथ खाएं, या अगर आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह भी आप इसको खाना चाहते हैं आप इसको खाएँ। आप कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्जी हमारी घर में तैयार हुई है। मुलाकात होगी आपके साथ फिर किसी अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।